देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है, मगर यहाँ कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। एक वृक्ष कटाओ 2000 पाओ, सिद्धार्थ नगर जिले के मासी कोतवाली के नगर पालिका स्थित रामगढ़ मोहल्ले का है, जहाँ हरे आम के बगीचे को बिना खौफ काटा जा रहा था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वन माफिया हरे पेड़ों को काट कर लदान करते हैं, वो भी बिना परमिट धरने से हरे पेड़ों को काट दिया जाता है। जब किसी तरह अधिकारियों को जानकारी मिलती है तो कोरम पूरा करने के लिए 3 पेड़ों की जगह 1 पेड़ों को कर देते हैं, कार्यवाही चंद रुपयों के खातिर कटवा देते हैं। आम के हरे पेड़ जिम्मेदारों की मिली भगत से होती है। हरे पेड़ों की कटान बासी बनरेज ऑफिस से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर आम के पेड़ों की कटाई होती है। आरपी शुक्ला वन क्षेत्रीय अधिकारी हैं, या कैमरे के सामने से बोलने पर भागते नजर आ रहे हैं। यह है साहब वन विभाग के जिम्मेदार बंको बेड बताकर पेड़ काटने वालों को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ नगर से संवाददाता संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।